मूवी जब रिलीज हुई थी तब मैं बॉर्न भी नहीं हुआ था। उस मूवी से सीखने को भी मिलता है कि हमें किस तरह रहना चाहिए। ऐसे लव स्टोरीज तो अब मिलते ही नहीं है देखने के लिए। वो जरा जरा वो लगा, बहुत मस्त गाना है सर, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी मूवी थी। मैंने बहुत पहले देखी थी ये, टीवी पर देखी थी, बहुत अच्छी मूवी थी, अच्छी थी एकदम। उसके अंदर जो हीरो है उसने मतलब मुझे लगता है उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है अपनी ज़िंदगी में, तो मुझे वो मूवी अच्छी लगी। उनकी ये मतलब केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी और मेरा सीरियसली रिव्यू ये था 4.5, 4 दे सकते हो। मे बी वो मूवी जब रिलीज़ हुई थी तब मैं बॉर्न भी नहीं हुआ था, बट अभी रिलीज़ के टाइम पे मैंने देखी और काफ़ी अच्छा लगा मुझे। माधवन सर का तो मैं पहले भी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, उनके बेटे का भी, और वो भी बहुत अच्छा खेलते हैं स्पोर्ट्स। बस सी वन थिंग इज़ कि माधवन ऑब्वियसली इज़ अ वेरी गुड एक्टर, ही इज़ ऑलवेज रिनाउंड फॉर हिज एक्टिंग स्किल्स एंड ही इज़ वन पर्सन दैट रीचेज आउट टू अ वाइड ऑडियंस। एंड ये मूवी स्पेशली ये एक लव स्टोरी है विच इज़ समथिंग दैट इज़ नॉट रियली कॉमन नाउ। ऐसे लव स्टोरीज तो अब मिलते ही नहीं है देखने के लिए, तो दिस इज़ समथिंग दैट इज़ यूनिक इन वन वे। तो आई थिंक दिस विल गेन अ लॉट ऑफ अट्रैक्शन अगेन बिकॉज पीपल विल स्टार्ट मूविंग, दे विल वॉन्ट टू वॉच मूवीज लाइक दिस अगेन। और एंड द सॉन्ग्स पर्टिकुलरली इतने सॉन्ग्स भी बहुत ही अच्छे हैं और विंटेज सॉन्ग है, तो लोगों को मतलब न्यू जनरेशन को वो मालूम नहीं, उसलिए एक बहुत अच्छी बात है कि वो रिलीज कर रहे मूवी को, तो बहुत ही बढ़िया। रहना है तेरे दिल में तो मूवी तो काफ़ी अच्छी थी, और काफ़ी अच्छी मूवी थी मैंने तो देखा है। और उस टाइम पे कैसा है, लोगों के घरों में कम टीवियाँ होती थी और टीवियों का माध्यम भी नहीं रहता था। अभी जो है सभी के पास में यूट्यूब मोबाइल वगैरह सब चीज़ है और लोग देख सकते हैं, और बहुत अच्छी मूवी थी। मतलब देखने में से ऐसा आज के डेट में प्यार को एक धोखा बताया जाता है, कुछ ऐसा बना, लेकिन वो मूवी बहुत अच्छी थी, सुपरहिट मूवी थी। मेरे हिसाब से तो सभी लोगों को जाना चाहिए और मूवी को देखना चाहिए, और बहुत ही अच्छी बढ़िया मूवी है। और उस मूवी से सीखने को भी मिलता है कि हमें किस तरह रहना चाहिए, और उसके बहुत ही मतलब जो सर की और मैडम की जोड़ी थी बहुत बढ़िया थी। उस ज़माने के लव स्टोरी बहुत अच्छे है, आज की तो थोड़ा सा कम, मगर ये जो पिक्चर निकली है ना बहुत अच्छी पिक्चर है और पब्लिक को भी सबको देखना चाहिए। फैमिली पिक्चर है, गाने भी इसमें अच्छे है, एक्टिंग भी अच्छा किया हुआ है, हर चीज़ एकदम परफेक्ट है। गाने आपको पसंद, कौन सा फेवरेट गाना है आपको? वो जरा जरा वो लगा, बहुत मस्त गाना है। क्या बात कर रहे हो। और अगर आपने जब देखी आपको पर्सनली, आपको ऐसा कुछ लगा कि क्या फ़र्क लगा आपको चीज़ों में, मतलब किस चीज़ में? जैसे अगर अगर आज की मूवी से कंपेयर करना चाहो, और वो क्योंकि ये मूवी बनी थी 2001 में, उस जमाने में ऐसी मूवी बनाना नामुमकिन था। आज की मूवीज जो पहले की मूवीज और आज की मूवीज बहुत फ़र्क है, मगर ये पिक्चर बहुत अच्छी है, गाना अच्छा है, उसकी एक्टिंग अच्छी है, दोनों की जोड़ी अच्छी है, एकदम जोड़ी वगैरह फर्स्ट क्लास। लोगों को देखनी चाहिए।